अंक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति पांडे। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन में एसपी के नेतृत्व में की गई क्राइम मीटिंग, पुलिस कर्मियों को शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर दी गई बधाई। वहीं बेहतर ढंग से क्राइम कंट्रोल करने का दिया गया निर्देश। संवेदनशील मुद्दों को गंभीरता से लेने की कही बातें। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जल सहियाओं ने दिया धरना, आवाज बुलंद कर मांगों की प्राप्ति के लिए कराया सरकार का ध्यान आकृष्ट। प्रेरणा शाखा के स्थापना दिवस पर सिरसिया में कार्यक्रम, स्कूली बच्चों के बीच वितरित की गई कई तरह की सामग्रियां, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किया गया प्रेरित। और गणतंत्र दिवस के रंगारंग समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में, नगर भवन में लिया गया विभिन्न स्कूली टीमों का ऑडिशन। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर बांधा अद्भुत समा। चयनित हुए मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने वाली टीमें। अब खबरें विस्तार से। एसपी सुरेंद्र झा की अध्यक्षता में सोमवार को पुलिस लाइन में पुलिस क्राइम मीटिंग की गई। इस दौरान श्री झा ने बेहतर कार्य कर रहे पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना की। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। बरवाडी स्थित पुलिस लाइन में सोमवार को पुलिस क्राइम मीटिंग गिरिडीह एसपी सुरेंद्र झा की अध्यक्षता में की गई। करीब 3 घंटे के बैठक में एसपी श्री झा ने शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे विधानसभा चुनाव पर पुलिस पदाधिकारियों की हौसला अफजाई की। वहीं बैठक में आने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का निर्देश दिया। इस दौरान एसपी ने कुछ थानेदारों की बेहतर कार्य करने पर तारीफ की। हालांकि जिला मुख्यालय के पचम्बा इलाके में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में नाकाम थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए कड़े शब्दों में हर हाल में अपराध को नियंत्रण करने की चेतावनी दी। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर केसों को लेकर संवेदनशीलता के साथ अनुसंधान करने का सुझाव दिया। साथ ही अनुसंधान के बाद केस डायरी और चार्जशीट को वक्त पर कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया। बैठक में एएसपी दीपक कुमार, एसडीपीओ कुमार गौरव, विनोद महतो, नवीन सिंह के अलावे कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। झंडा मैदान में सोमवार को जल सहियाओं ने एक दिवसीय सामूहिक धरना दिया। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले आहूत इस धरने में 8 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय के बगल में स्थित झंडा मैदान में जल सहियाओं ने एक दिवसीय सामूहिक धरना दिया। मौके पर 8 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर आवाज बुलंद की गई। यहाँ इस धरने का नेतृत्व महासंघ नेता अशोक कुमार सिंह कर रहे थे। वहीं मौके पर महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन, उप सचेतक रूपलाल महतो, राज्य अध्यक्ष इतवारी महतो, प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी, राजेश महतो, विक्रम कुमार गुप्ता, मंटू साह, सुमंती देवी, पूर्णिया देवी आदि मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान जल सहियाओं ने झंडा मैदान के चारों ओर रैली निकालकर अपनी मांगों से संबंधित नारे लगाए। यहां कार्यक्रम का नेतृत्व दिव्या देवी कर रही थी। वहीं मंत्री प्रतिवेदन पूर्णिमा कुमारी ने प्रस्तुत किया। बताया गया कि जल सहियाओं के प्रोत्साहन राशि का भुगतान लंबित है, जिस कारण जल सहियाओं की माली हालत खराब है। बताया गया कि जल सहियाओं की कुल 8 सूत्री मांगे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए लंबे समय से सहिया संघ आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। जमा किया विभाग
आश्वासन दिया था कि इस राज्य के अंदर में मानदेय न्यूनतम मजदूरी से किसी को कम नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग धैर्य रखे हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। आज धरना के माध्यम से राज्य सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि जो आपने वादा किया है जल सहिया को, उसका मानदेय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित हो, और कार्यपालक अभियंता को अविलंब निर्देश दीजिए कि जब इतना कम मानदेय मिलता है वह भी महीने के अंतिम तारीख को मानदेय मिला करे। हम लोग उपायुक्त से कहने के लिए आए हैं कि गिरिडीह जिला में पीएलजी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही जीर्ण अवस्था में है, जल सहियाओं को तंग किया जा रहा है, सही अवसर काम करने का प्रदान नहीं किया जा रहा है, ईपट लगाकर किसी को हटाने की कार्रवाई होता है, किसी का मानदेय रोकने का कार्रवाई होता है, किसी भी हालत में 80% से ज्यादा मानदेय है, इसलिए भुगतान नहीं करते हैं कि 20% को इनके दरवाजे पर आए, पैरवी करना पड़े, इनके आश्रित जाए, इनका खुशामद करे, और पिछले दरवाजे से ये मानदेय भुगतान प्रोत्साहन भुगतान की कार्रवाई करते हैं। इसलिए उपायुक्त को साफ शब्दों में कहने आए हैं कि कम से कम जल सहिया जिसको मात्र 1000 रुपया मानदेय मिलता है और प्रोत्साहन राशि के रूप में कहीं 400, कहीं 300, कहीं 200, उसमें भी अगर भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है कि जब आवंटन था फिर साल साल भर तक। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो और राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। मौके पर उन्होंने बिरने प्रीमियर लीग का उद्घाटन भी किया। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने सोमवार की सुबह गांवा, मंझने, बिरने, चिहुटिया, पसनोर, पेहरा सहित प्रखंड के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए जन समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने की बात कही। इस बीच उन्होंने गांवा बाजार स्थित झाविमो कार्यालय में ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण किया। बाद में बिरने स्थित अभिनंदन खेल मैदान में हो रहे बिरने प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा खेल मैदान के विकास की मांग पर श्री मारांडी ने हामी भरते हुए जल्द से जल्द खेल मैदान के विकास और चारदीवारी के निर्माण की बात कही। मौके पर झाविमो प्रखंड अध्यक्ष श्री राम यादव, जीप सदस्य इमरान अंसारी, जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अमरदीप निराला, प्रखंड महासचिव वहाब खान, गांवा मुखिया अनुरूपा देवी, बिरने मुखिया राजकुमार यादव, मुन्ना सिंह, बनारस सिंह, विवेक सिन्हा, मरगूब आलम सहित कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेकिन जब झारखंड बना, राज्य के हम मुख्यमंत्री बने, तो बहुत से वो कठिनाइयां थी, वो तकलीफ थी, वो तो समाप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पहली दुनिया से दूसरी दुनिया में तो हम लोग जरूर आए हैं, यानी तीसरी दुनिया से दूसरी दुनिया में आए हैं, लेकिन हमें पहली दुनिया में जाना है। लोगों की जो बेकारी है, बेरोजगारी, ये भी दूर हो, लोगों के हाथों में काम हो। जब तक उस ऊंचाई तक काम को हम सब लोग पहुंचा नहीं लेते, तब तक एक विश्राम नहीं करेंगे, परिश्रम करेंगे। यही मैं आज आप सब लोगों को। जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गिरिडीह के भाजपाइयों में खुशी है। यहां के भाजपा नेताओं ने कहा कि इनके पूर्ण प्रभार में आने से भाजपा देश भर में मजबूत होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा निर्विरोध पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने नड्डा के निर्वाचन की घोषणा की। इससे पहले तक नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर गिरिडीह के भाजपाइयों में भी खुशी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जेपी नड्डा बेहतर ढंग से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। अब पूर्ण प्रभार में आने से पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। बहुत ही हर्ष की बात और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाले जेपी नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इससे सभी कार्यकर्ताओं में आशा और जगी है। वो जितने अच्छे ढंग से अमित शाह जी ने
पूरे राष्ट्र में पार्टी को बढ़ाया, उतने ही मनोयोग से नड्डा जी भी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और उन्हें सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। आडवाणी जी से लेके अमित शाह जी तक के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उन्हें आज आशीर्वाद दिया है और वो एक कुशल कार्यकर्ता रहे हैं। युवा मोर्चा से लेके हर दायित्व को उन्होंने, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक का दायित्व भी उन्होंने निभाया, गडकरी जी के साथ काम। भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जा सकता है पूरे भारत में कि एक कार्यकर्ता कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये और सब पार्टियां जो है वो टाइटल से और खानदान से अध्यक्ष का चुनाव करती है। आज अध्यक्ष बने हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है, पूरे भारतीय जनता पार्टी में हर्ष की बात है और हम लोग उनको तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई देना चाहते हैं। और इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, आने वाले समय में तमिलनाडु, केरल, बंगाल, बिहार में जो चुनाव हैं, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी के अध्यक्ष बनने के बाद वहां और मजबूती मिलेगी कार्यकर्ताओं को। मैं पुनः एक बार अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देने। जेपी नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस प्रकार श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे भारत में भाजपा का डंका बजा है, उसी प्रकार आने वाले समय में जेपी नड्डा जी के भी नेतृत्व में और आने वाले राज्य के चुनाव में भी भाजपा अच्छे प्रदर्शन करेगी, यही शुभकामना। गणतंत्र दिवस समारोह पर जिला प्रशासन की ओर से होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सोमवार को नगर भवन में ऑडिशन लिया गया। बताया गया कि 10 से 12 टीमों का चयन किया गया है जो BNSDAV में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सोमवार को स्थानीय नगर भवन में ऑडिशन लिया गया। इसमें जिले के करीब 18 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर सभी विद्यालयों के प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर निर्णायकों को पसोपेश में डाल दिया। यहां निर्णायक मंडली ने सभी के प्रदर्शन को देखा समझा और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ 10 से 12 टीमों का चयन किया। यही चयनित टीमें 26 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। बताया गया कि मुख्य कार्यक्रम BNSDAV में शाम 5 बजे से 7 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा आयोजित होगा, जिसमें चयनित प्रतिभागियों को अपने गाइड शिक्षकों के साथ पूरे गणवेश में 4 बजे तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। उल्लेखनीय है, इसमें चयनित विद्यालयों को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के द्वारा पत्र के माध्यम से और टेलीफोन सूचना देकर अवगत कराया जाएगा। Let's go.
21 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उसके लिए आज यहाँ पर ऑडिशन चल रहा है, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं स्कूली छात्र छात्राएं हैं, अपना अपना प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इसमें से जो बेस्ट 15 प्रोग्राम होगा उसको हम लोग आज सेलेक्ट करेंगे। जूरी मेंबर यहाँ बैठी हुई है और सेलेक्ट करके हम लोग चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करें और धूमधाम से गणतंत्र दिवस। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा का स्थापना दिवस सोमवार को खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शाखा के पदाधिकारियों ने सीहोड़ी पहुंचकर वहां स्कूली बच्चों के बीच कई तरह की सामग्रियों का वितरण किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा का 36वां स्थापना दिवस और गिरिडीह प्रेरणा शाखा का 11वां स्थापना दिवस सोमवार को खूब उत्साह के साथ मनाया गया। बताया गया आज के दिन गिरिडीह में प्रेरणा की नींव रखी गई थी। इस मौके पर प्रेरणा की ओर से हर साल स्कूली बच्चों के साथ कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। इस बार सीहोडी सामुदायिक भवन में स्कूल के बच्चों के बीच यूनिफॉर्म, बिस्कुट, टॉफी आदि सामग्रियों का वितरण किया गया। मौके पर बच्चों के साथ शाखा सदस्यों ने काफी समय व्यतीत किया और इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस दौरान बच्चों से राष्ट्रगान गवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान शाखा सदस्यों ने बच्चों से कई तरह के सवाल भी पूछे, जिसका बच्चों ने बहुत उत्साह से जवाब दिया। बताया गया कि प्रेरणा शाखा बच्चों के लिए कई रचनात्मक गतिविधियां सालोगन संचालित करती है, जिसके तहत स्कूल के बच्चों का निशुल्क कराटे क्लास, समय समय पर जनसेवा के कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम और कई तरह की प्रतियोगिताएं भी संचालित की जाती है। यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव लक्ष्मी शर्मा, प्रीति सिरोही वाला, रिचा केडिया, अर्चना केडिया, रिचा शर्मा, रीमा अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, रूपा मोदी, किरण झुनझुनवाला, पूनम चिरानिया, मीडिया प्रभारी आशा खंडेलवाल, सरिता मोदी आदि लोग लगे हुए थे। का 36वां वर्षगांठ है, उसी के उपलक्ष में हमारी स्कूल में केक काट रहे हैं बच्चों के साथ। इन सभी बच्चों को हम स्कूल ड्रेस भी बांट रहे हैं चॉकलेट और बिस्किट के साथ। बच्चे बहुत खुश है। आज हम लोग इन लोगों को नेशनल कि बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन बच्चों ने खूब अच्छे से नेशनल कैंप किया।
मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की वर्षगांठ मना रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच को 26वां साल है और मारवाड़ी प्रेरणा शाखा का 11वां साल गिरिडीह। तो हम सब यहाँ बच्चों के साथ ये वर्षगांठ मना रहे हैं। इन बच्चों ने हम लोग केक और बिस्किट पहने, इन लोगों ने बांटा है साथ में। और हमारे कार्यकाल 2 साल में हम अध्यक्ष कविता राजगढ़े का कार्यकाल 2 साल का चला। इसमें हम लोगों ने काफी सामाजिक कार्य किए। हम अभी थ्रोट कैंप करवाने जा रहे हैं, थ्रोट और आई कैंप नेक्स्ट मंथ, वो भी हमारा आगे प्रोजेक्ट पूरा। आगे हम वेंडिंग मशीन भी लगाने जा रहे हैं, जो कि महिलाओं के लिए जो पेड मशीन होती है वो 2 मशीन भी लगाने जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी और भी जो हमारे समाज की नारियां हैं वो भी आगे बढ़े, क्योंकि वो घर से बाहर निकलेंगी तभी कुछ कर सकेंगी। तो हम चाहते हैं कि हमसे वो प्रेरणा लेके या फिर और सामाजिक संस्थाओं से प्रेरणा लेके ऐसे ही आगे कुछ अच्छे कार्य करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं का एक सम्मेलन सोमवार को निखर होटल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में LIC के नए प्लान के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं का एक सम्मेलन सोमवार को टीम लीडर BB लाल की अध्यक्षता में स्थानीय होटल निखर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शाखा कार्यालय के वरीय शाखा प्रबंधक सुरेश रजक उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में विक्रय शाखा प्रबंधक प्रमोद शर्मा, बीमा कर्मचारी संघ के धर्म प्रकाश मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि LIC का सभी बीमा 31 जनवरी 2020 तक उपलब्ध है। 1 फरवरी 2020 से नया प्लान आने वाला है, इसलिए सभी अभिकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि ये सभी ग्राहकों के पास जाएं और लोगों को इसकी जानकारी दें। मौके पर LIC में अभिकर्ताओं के करियर की जानकारी भी यहां दी गई, साथ ही अभिकर्ताओं के लक्ष्य को भी बताया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ता संदीप कुमार को बूके देकर सम्मानित किया गया। अंत में टीम लीडर BB लाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। यहाँ इस कार्यक्रम में संदीप कुमार, महेंद्र यादव, रविंद्र गुप्ता, जगदीश कुमार, दिलीप वर्णवाल, अमित कुमार, प्रदीप गुप्ता, संतोष भदानी सहित अन्य कई अभिकर्ता उपस्थित हुए। ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा आप इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, अगर आप इसका प्रमोशन, जो प्रमोशन से कलब मेंबर का ही प्रमोशन है, अगर आप कलब मेंबर बनते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इलेक्शन देंगे। हाउसिंग लोन, कार, हर ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल वगैरह वगैरह, इतनी सारी फैसिलिटी से आप वंचित है, जबकि बहुत ही आसान। ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है ना, LIC अभिकर्ताओं का, और ये ऑर्गेनाइजेशन है श्री BB लाल जी का। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि 31 जनवरी को सारे जो पुराने प्लान्स हैं बंद हो रहे हैं, और उसी प्लान के बंद होने के कारण हम अभिकर्ताओं का एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए थे, इन लोगों को अलर्ट करने के लिए कि जो बचे हुए 10 दिन हैं, अपने सारे ग्राहक को ये बता देने के लिए कि सारे प्लान पुराने जो है बंद हो रहे हैं, और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो अभी कुछ ज़्यादा दिया जा रहा है, जो रिवाइज प्लान आएंगे, और बहुत ही पिक टाइम पे आने वाला है फरवरी मार्च में, जहाँ पर ज़्यादा नौ व्यवसाय LIC का होता है, तो शायद हमारे अभिकर्ताओं को उसको समझने बुझने में समय लग सकता है, इसीलिए हम लोग अलर्ट करने के लिए मीटिंग को बुलाए थे, और इसी का संदर्भ ये मीटिंग था। थैंक यू।
इस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने अभिकर्ताओं को सचेत किए हैं कि हमारा जो सारा प्लान 31 जनवरी के बाद बंद हो रहा है, ये सारी बातों जो है को लेकर के वो पब्लिक के बीच गया कि अभी जो वित्तीय बाजार में सारे सेक्टर में इंटरेस्ट घट रहा है और आज भी हम बढ़िया इंटरेस्ट दे रहे हैं और जीवन सुरक्षा भी दे रहे हैं। जो 31 जनवरी को बंद हो जाएगा, 31 जनवरी के बाद नया प्लान आना है, तो पब्लिक को बताएं और पब्लिक से भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा कि वो 31 जनवरी तक अपना मैक्सिमम बीमा करवा लें ताकि उनको ज़्यादा लाभ मिल पाए, और इसी को लेकर के आज की ये बैठक रखी गई है। दिगंबर जैन समुदाय के 11 संतों का जत्था सोमवार को गिरिडीह पहुंचा। यहां जैन मंदिर में श्रद्धालुओं ने सभी संतों की अगवानी खूब श्रद्धा भाव से की। दिगंबर जैन संप्रदाय के 11वें संत का जत्था बंगाल से छत्तीसगढ़ की पैदल यात्रा पर है। सोमवार को संतों का जत्था गिरिडीह दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा, जहां जैन श्रद्धालुओं ने उनकी अगवानी की। यहां मंदिर में थोड़ी देर रुककर जैन संत आगे बढ़ गए। बताया गया कि विश्व कल्याण और अहिंसा का संदेश देने के लिए ये अंतर राज्य भ्रमण पर निकले हैं। आज समाज में जिस तरह से बेमनुष्यता आई है, ऐसे में आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखना बेहद जरूरी है। जय विमल। हम लोग यहाँ से पूरा आचार्य संघ दुर्ग से छत्तीसगढ़ का विहार करते हुए शाश्वत भूमि सिद्धराज की हम लोगों ने वंदना करी और हम लोगों का लक्ष्य पंचपाणी की यात्रा का आप सभी लोग सहभागिता जरूर दिखाएं। जिनागम पंत जयवंत। पीरताड़ के पालगंज मोड़ के पास से रविवार को एक अधेड़ का शव बरामद किया गया था। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया। मृतक की पहचान बोकारो के बहादुरपुर निवासी खलील खान के रूप में हुई है। पीरताड़ थाना क्षेत्र के पालगंज मोड़ के समीप रविवार को सड़क किनारे झाड़ी से बरामद अधेड़ के शव का पोस्टमार्टम सोमवार को सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया। बता दें कि रविवार को पीरताड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पालगंज मोड़ के समीप सड़क किनारे झाड़ी से एक अज्ञात अधेड़ का शव पाया गया था। मृतक की पहचान बोकारो जिला अंतर्गत जरीडीह प्रखंड के बहादुरपुर निवासी 52 वर्षीय खलील खान के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि खलील रविवार को एक स्कॉर्पियो बुक कर गिरिडीह के लिए निकला था, जिसके बाद उसका शव पालगंज मोड़ के समीप से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही पीरताड़ पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शव के पास से पुलिस ने खून से सना तौलिया, धारदार चाकू, चार पहिया वाहन में लगाए जाने वाला तौलिया, बेल्ट, लुकिंग ग्लास तथा सेंट और मोबाइल बरामद किया है। मृतक के गर्दन पर धारदार हथियार से प्रहार के निशान पाए गए हैं। इस दौरान पीरताड़ थाना प्रभारी अशोक प्रसाद, डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही। इधर मृतक के परिजनों ने स्कॉर्पियो चालक पर गला रेत कर हत्या कर देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रविवार को बरजो के समीप हुए सड़क दुर्घटना में कोयरीडी निवासी गुड्डू कुमार की मौत मौके पर हो गई थी। सोमवार को उसके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया। रविवार को धनवार सरिया मुख्य मार्ग पर बरजो के समीप सड़क दुर्घटना के शिकार हुए गुड्डू दास का शव सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। मृतक गुड्डू दास कोयरीडीह निवासी कुलदीप दास का 24 वर्षीय पुत्र है, जो धनवार के हरखी रोड के समीप किराए के मकान में रहता था और जानकी देवी आर्य कन्या उच्च विद्यालय में साफ सफाई का काम करता था।
बताया गया कि मृतक देर शाम अपने एक दोस्त के साथ बाइक से सरिया की तरफ से मनसाडी वापस अपने घर जा रहा था। बताया गया कि मृतक देर शाम अपने एक दोस्त के साथ बाइक से सरिया की तरफ से मनसाडीह जा रहा था। इसी बीच बरजो के पास उसके बाइक की टक्कर सड़क किनारे स्थित बिजली के पोल से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गुड्डू की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद धनवार पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सहित शव को थाना ले आई, जिसके बाद सोमवार को गुड्डू के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। काम करके उन लोग शाम के समय उन लोग आ रहे थे। आने के बाद में पता नहीं इसमें उन लोग ड्रिंक किया हुआ था या विदाउट ड्रिंक का था, ये तो बता नहीं सकते। और मतलब इतना डेंजर एक्सीडेंट हुआ जो पोल टूट गया, पोल में तीन जगह दरार आ गया। टूट के गिरा नहीं पोल, क्या चीज से था? इन लोग बाइक में था, पोल में बाइक में था, और जो ड्राइविंग कर रहा था वो शायद रेफर है अभी रांची में, पता नहीं उसका बचने का चांस है या नहीं है। और एक तो एक्सपोर्ट डेथ हो गया। कब की घटना है? कल तकरीबन शाम 7:30 के लगभग। सरिया प्रखंड के कोइरीडीह में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। कहने को तो यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन उसमें हमेशा ताला ही लटका रहता है, जिससे लोग बेहद परेशान है। सरिया प्रखंड के अंतर्गत कोइरीडीह पूर्णीडीह पंचायत के ग्रामीणों को इलाज के लिए आज भी 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या गर्भवती महिलाओं को है। वहीं बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आदि भी यहां एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब इसे जनता का दुर्भाग्य कहें या व्यवस्था का दोष, लेकिन आज तक उपव्यवस्था केंद्र कोइरीडीह नवीनतम स्वास्थ्य विकास के लिए आयाम से नहीं जुड़ पाया है। 15 वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में बंद पड़े इस केंद्र में गंदगी का अंबार भरा पड़ा है, जिसका शुद्ध लेने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टर की पदस्थापना भी की गई, लेकिन सिर्फ कागजी रिकॉर्ड पंजी पर। आज तक चिकित्सक का चेहरा भी किसी ने नहीं देखा। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही इस व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। यहाँ डॉक्टर लोगों की प्रतिनियुक्त भी किया गया, लेकिन आज तक डॉक्टर लोग यहाँ पर बैठ नहीं रहे हैं। जो भवन बना भी है वो दयनीय स्थिति है, और इस इलाके के जितने मरीज लोग हैं आज ये सुविधा इस हॉस्पिटल में रहता तो हम लोगों को फायदा होता। और इस ले करके इस इलाके में जनता का आक्रोश इतनी बढ़ी हुई है। इधर हम लोगों को उपायुक्त महोदय कहते हैं कि एक स्वास्थ्य उप केंद्र मुखिया को गोद लेना चाहिए। ये कितने दिनों से बंद पड़ी है? ये बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है। फिलहाल अभी आए हैं, उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन इसके पहले ये स्वास्थ्य उप केंद्र लगातार बंद ही रहा है। ज़्यादा करके टूट फूट भी गया है, जिसके चलते कोई डॉक्टर भी नहीं रह रहा है। इसलिए सबसे पहले इसका रिपेयरिंग करवाइए, और डॉक्टर तभी ना इसमें मतलब रह सकता है। हम लोगों को सरिया जाना पड़ता है, खेसकरी जाना पड़ता है, लंबा जाना पड़ता है। अगर यहाँ है तो इसमें डॉक्टर बैठाइए तो हम लोगों को मतलब उतना लंबा जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी कठिनाई होती है इलाज के लिए। हाँ, बहुत बड़ी कठिनाई होती है, लंबा जाना। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी और होलिस्टिक मेगा टैलेंट के सौजन्य से रविवार को साहू सदन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के गुर बताए गए। आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर गिरिडीह के साहू सदन में करियर गाइडलाइंस और मोटिवेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों की समस्त समस्याओं को ध्यान में रखकर वक्ताओं ने युक्तिपूर्ण समाधान प्रस्तुत किए। बताया गया कि विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर योजनापूर्वक विकास कर सकते हैं।
यह कार्यक्रम आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची और हॉलिस्टिक मेगा टैलेंट गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शिक्षाविद के अलावे शहर के कई गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी वर्ग के लोग उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर सीआरपीएफ कमांडेंट ए के भारद्वाज उपस्थित हुए, जबकि इस कार्यक्रम में डॉक्टर अजय मुरारी, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर कुमकुम खवास, डॉक्टर अनीता कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हॉलिस्टिक मेगा टैलेंट के निदेशक सुमन गुप्ता कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को इस कॉम्पिटिटिव माहौल में आगे बढ़ने के गुर बताए गए। यहां कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर धीरज कुमार मिश्र ने किया। प्रशासन जो होता है, पुलिस जो होती है और हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके और इलाके में शांति रहे। तो ये ब्रीफ था। अभी आते हैं पहले पहुंचने की जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, ज्यादा समय टाइम वेस्ट नहीं करके इसमें। ये जो मुझे बताया गया कि 10th और 12th के स्टूडेंट यहाँ पर हैं, बिल्कुल सही टाइम पर एक अच्छे का करियर पहुंचने का, यही एक स्टेज होती है, यही एक स्टेज होती है जहाँ पर पहुंचने की जरूरत पड़ती है। ग्रेजुएशन करते करते काम समझ जाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। 10th करने के बाद में डिलेमा होता है, बाद में क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, कुछ पता नहीं प्लान। वही स्टेज पूरी स्क्वेयर के बाद आती है। प्रयत्न के बाद बहुत से लोग स्ट्रीम चेंज करते हैं या फिर डिलेमा में रहते हैं कि क्या करें। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी रांची ने की इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने जो कमिंग एग्जामिनेशंस है 10th और 12th के, जो बच्चे उस 10th और 12th में किस तरह से अच्छे और स्कोर्स ला सकते हैं, उन अपने स्ट्रेस को कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, एग्जामिनेशंस को कैसे अच्छे तरह से वो क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे आए हुए थे जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी। साथ ही साथ हमारा इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद था कि 10th और 12th के बाद क्या क्या फील्ड बनते हैं, कि कौन कौन से ट्रैक में बच्चे जा सकते हैं। जैसे कि बता दें कि अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे मॉडर्न एजुकेशन और मॉडिफिकेशंस एजुकेशंस में हुआ है जिसकी जानकारी बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित करवाया ताकि बच्चे हर एक फील्ड के बारे में डेप्थ से जाने, उसके बाद जा करके अपने उसमें करियर प्लानिंग करें। और साथ ही साथ अभी बच्चे जब 10th और 12th के बाद जब वो फ्री होंगे, जब तक रिजल्ट आने का जो समय होता है, उस दौरान में बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, किस प्रकार के कोर्सेज करना चाहिए, ये तमाम जानकारी हमारे यूनिवर्सिटी के साथ आए हुए और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में आप महिला कॉलेज के स्वरांगना परिवार की ओर से रविवार को स्वर्गीय गुरु धनंजय नारायण सिंह की स्मृति में एक शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर अद्भुत समा बांधा। स्वरांगन परिवार द्वारा आयोजित संगीत गुरु स्वर्गीय धनंजय नारायण सिंह की स्मृति में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम शरद महोत्सव 2020 का आगाज शहर के मोती हॉल में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन संगीत सम्राट पंडित शंभू दयाल केडिया, सलूजा इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सरदार जोरावर सिंह सलूजा, पीके दत्ता, संस्था के सचिव राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद संगीत शिक्षक रूपम चौधरी ने सरस्वती वंदना से महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। नरेश पंडित ने भजन की प्रस्तुति दी। इसके बाद डीएसपी संतोष मिश्रा ने गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। तबले पर रामकृष्ण केडिया एवं ऑर्गन पर दया शंकर सिंह ने संगत किया। Oh,
बाद पंडित शंभू दयाल केडिया ने हारमोनियम वादन से श्रोताओं को भाव विभोर किया। इस दौरान धनंजय गुरुजी के प्रिय शिष्य अर्पित रंजन ने राग मारू विहाग में ख्याल गाया। तबले पर उनका साथ रविशंकर सिंह ने दिया। मौके पर संस्था के सचिव राजीव रंजन ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिसमें रविशंकर सिंह ने तबले पर संगत किया। वहीं कोलकाता से आए आर प्रसाद सिंह, समीर नंदी, पंजाब के बांसुरी वादक उस्ताद मुज्तबा हुसैन ने बांसुरी वादन से माहौल को खुशनुमा बनाया। दिल्ली के शशांक शेखर ने गजल की प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम में पंडित मनोज केडिया, पंडित मोर मुकुट केडिया, प्रभाकर आलोक, सरदार नरेंद्र सिंह, दिनेश सेठ आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन आशीष सिन्हा ने किया। साधुवाद है मेरी तरफ से। मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम और अपनी बुलंदी और ऊंचाई पर पहुँचे। इसमें बहुत सारे जो अलग अलग कलाकार हैं अलग अलग क्षेत्र में, वो इसके प्रति आकर्षित हों और उनको मंच मिले, उनको मंच उपलब्ध हो, ताकि गिरडी की फिजा में संगीत का माहौल बना रहे। हमारे गुरु धनंजय नारायण सिंह की स्मृति में हमारी संस्था सोलांगन ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है गिरिडीह शहरवासियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार श्री शशांक शेखर जी, जिनको तेलंगाना सरकार ने आफ्तावे गज़ल की उपाधि से नवाजा है, और एक अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी के कलाकार श्री मुज्तबा हुसैन जी, जिनका कार्यक्रम विशेष आकर्षण है। इस कार्यक्रम में अर्पित रंजन एक नया उभरता कलाकार है, बच्चा है, और यहाँ के कलाकारों के बीच में रह के थोड़ा बहुत गाता है। उसने अपने स्कूल में, कॉलेज में भी काफ़ी नाम किया है, गिरिडीह का काफ़ी नाम रोशन किया है। हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं सब संगीत से रिलेटेड है, और गिरिडीह शहर में संगीत की तरक्की के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। अंत में एक बार फिर नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन में एसपी के नेतृत्व में की गई क्राइम मीटिंग, पुलिस कर्मियों को शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर दी गई बधाई। वहीं बेहतर ढंग से क्राइम कंट्रोल करने का दिया गया निर्देश, संवेदनशील मुद्दों को गंभीरता से लेने की कही बातें। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर जल सहियाओं ने दिया धरना, आवाज बुलंद कर मांगों की प्राप्ति के लिए कराया सरकार का ध्यान आकृष्ट। प्रेरणा शाखा के स्थापना दिवस पर सिरसिया में कार्यक्रम, स्कूली बच्चों के बीच वितरित की गई कई तरह की सामग्रियां, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किया गया प्रेरित। और गणतंत्र दिवस के रंगारंग समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में, नगर भवन में लिया गया विभिन्न स्कूली टीमों का ऑडिशन, कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर बांधा अद्भुत समा। चयनित हुए मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने वाली टीमें। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।